पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर एक, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात में है, तो अनुक्रमानुपात में दूरिया तय कर रहा है, तो पिंड का त्वरण है। तो देखिए, गतिमान पिंड है जो दूरी तय कर रही है समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात, समय के वर्ग के अनुक्रमानुपात, इसको समय कहते हैं, टी से समय, इसको दूरी। तो यस बराबर होगा के टी स्क्वायर। इसमें जो पूछ रहा है त्वरण, क्या पूछ रहा है, के क्या नियतांक, क्या है नियतांक, अनुक्रमानुपात हटता है तो नियतांक आता है, लेकिन सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, यस बराबर यू टी प्लस एवटा दो ए टी स्क्वायर, अगर विराम से है तो यह जीरो हो जाएगा। हम यहाँ आप क्या देखते हैं, यू टी प्लस एक उठा तो ए टी स्क्वायर है, तो जो है अगर विराम से चल रहा है तो यह क्या हो जाएगा, शून्य। तो मान लीजिए विराम से जा रहा है तो टी बराबर जीरो करेंगे तो हट जाएगा। इन दोनों का तुलना करेंगे, इन दोनों का तुलना करेंगे समीकरण एक और दो का, तो के बराबर हो जाएगा एक उठा दो ए। तो के नियतांक है, क्या है नियतांक, यहाँ भी के क्या है नियतांक, इसलिए ए भी क्या होगा नियतांक, नियतांक बड़ा नियतांक, तो नियत त्वरण होगा, क्या होगा नियत त्वरण, ऑप्शन इसमें जो है आपका ए सही होगा बेटा। अगला प्रश्न, दो द्रव्यमानों एम वन तथा एम टू जिनके बीच दूरी आर है, इसके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल एफ जी एम वन एम टू बटे आर स्क्वायर से दिया जाता है, जहाँ जी एक नियतांक है, जी का मान निर्भर करता है। तो ध्यान से देखिए, यह बराबर जी एम वन एम टू अपान आर स्क्वायर है, इसमें एफ जो है गुरुत्वाकर्षण बल, जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, एम वन एम टू द्रव्यमान है, आर उनके बीच की दूरी है, ठीक है, आर है, एम वन है, ये क्या है एम टू। इस सिचुएशन को कहीं भी लेके चले जाइए आप, चाहे आसमान पे, चाहे पृथ्वी के कहीं भी स्थान, किसी भी स्थान पर, चाहे जल में ले जाओ, चाहे मिट्टी के तेल में, इन गुणों के लेके जाओ, सभी जगह जो है गुरुत्वीय बल का मान समान होता है, गुरुत्वीय बल का मान समान होता है, और ए वाला जो जी है इसका मान कभी नहीं बदलता है, इसका मान हमेशा एक सभी स्थानों पर एक ही होता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन हो जाएगा मात्रक पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच के माध्यम दोनों पर निर्भर नहीं करता, ऑप्शन डी। एक गोले की त्रिज्या में त्रुटि 1% है, इसके आयतन की गणना में त्रुटि होगी। तो देखो, गोले का आयतन क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो भी बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो क्या होता है डेल वी अपान भी बुढ़े 100 बराबर ए नियतांक, इसको छोड़ देते हैं 3 डेल्टा आर बटे आर बुढ़े 100। कैसे लिखते हैं, भी है तो डेल वी बटे भी बुढ़े 100, ए नियतांक को छोड़ दिया जाता है, आर घाते 3 है, तो जो 3 यहाँ पे है वो साइड में आ जाता है, अब आर का लिखेंगे डेल आर बटे आर बुढ़े 100, इसका मान दिया है कितना दिया है 1%, तो हो जाएगा 3%, तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा ए। यदि बल को 4 गुना तथा तल के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो प्रारंभिक दाब एवं परिणामी दाब का अनुपात होगा। तो देखिए, सूत्र होता है बल और दाब में सूत्र होता है एफ बराबर पी ए, एफ बराबर पी ए। तो प्रश्न पूछा है पहले का दाब, मतलब दाब, हमें दाब का सूत्र बनाना है, पी बराबर होता है एफ बटा ए, ये समीकरण नंबर है। अब ये प्रथम स्थिति था, दूसरे स्थिति में क्या बोल रहा है, बल को 4 गुना और क्षेत्रफल को आधा, इसको पी वन में मान ले रहा हूँ, पी टू क्या हो जाएगा, बल को 4 गुना तो 4f, क्षेत्रफल को आधा a बाई टू, कितना हो जाएगा 8 f, ऊपर चला जाएगा 8f बटा a, समीकरण नंबर 2। तो पी वन बटे पी टू कितना हो जाएगा, तब पी वन बटे पी टू कितना हो जाएगा f बटा a,
और नीचे आठ एफ बटा ए, ये कैंसिल हो जाएगा एक बटे आठ, तो पी वन बराबर आठ पी टू, या तो यही हो जाएगा। पहले का जो है, पहले का मतलब प्रारंभिक दाब एवं परिणामी दाब का अनुपात एक संबंध है आठ, इसका आंसर होगा ए, ऑप्शन ए होगा। दो वस्तुएं एच1 व एच2 ऊंचाइयों से एक साथ छोड़ी जाती है, उनके पृथ्वी पर पहुंचने में लगे समयों का अनुपात, इसका सीधा सूत्र होता है एच बरा यूटी प्लस यूटा 2gt स्क्वायर होता है। अगर वो आराम से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा जा रहा है तो यहाँ जीरो हो जाएगा स्वतंत्रता या विराम, विराम से छोड़ने पर, छोड़ने विराम स्वतंत्रता पूर्वक अमुक्त अवस्था सब एक ही होता है, विराम से छोड़ने पर एच बराबर हो जाएगा 1/2 gt2। यहाँ एच अनुक्रमानुपाती के भी गिनती है, नियतांक के भी गिनती, अक्षर जी का मान फिक्स होता है नियतांक t2। यहाँ क्या हो जाएगा h1/h2 बराबर t1/t2। यही हो जाएगा समय का अनुपात पूछा है, तो समय का अनुपात हो जाएगा, इसका वर्गमूल ले लेते हैं हम, अंडर रूट h1/h2 बराबर t1/t2, ये आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है इसमें ए, ऑप्शन ए। स्लोपाइट लंबे एक खंभे के एक सिरे से 60 सेमी दूरी पर 150 किग्रा का भार लटकाया गया है, खंभे के दोनों सिरे दो आदमियों के कंधों पर टिके हैं और दोनों आदमियों द्वारा उठाया गया भार होगा। तो देखिए ध्यान देखिए, एक खंभा है यहाँ पर, एक आदमी है, एक आदमी यहाँ पर है, ठीक है, और पूरा 1.5 है, कितना मीटर है, 1.5 मीटर ही पूरा है, ठीक। अब बोल रहा है कि इससे 60 सेमी की दूरी पर, 60 सेमी मतलब 10.6 मीटर, 60 सेमी का मतलब क्या होता है, 60/100 मीटर हो जाएगा 10.6 मीटर, 10.6 मीटर दूरी पर भार लटकाया गया है, इस भार का वजन है, इस भार का वजन है 150 किग्रा, यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यक्ति है उस पर W1 भार, यहाँ जो है W2, ये वाला कितना हो जाएगा, 1.5 से 6 निकालिए, 1.5 से 10.6 निकालेंगे 10.9, ये दूरी हो गया 10.9 मीटर, ठीक है, 0.6 मीटर 0.9 मीटर। तो हमें क्या निकालना है कि ये पहला आदमी कितना भार सहन कर रहा है, दूसरा आदमी कितना सहन कर रहा है, इसका सूत्र होता है, ध्यान से देखिए, इसको हम लोग आर मानते हैं, इसको जोड़ दिए तो आर हो गया ना, तो सूत्र होता है, बहुत अच्छा सूत्र है, ध्यान से देखिए, ऐसा चित्र कहीं भी बने हम लोग आराम से उसको करते हैं, W1 बटा ए वाला दूरी 0.9 बराबर W2 बटा ए वाला 0.6 और R बटा जब R लेंगे तो R बटा कौन होगा, ए पूरा दूरी कितना जाएगा 1.5। अब इसी को कर लेंगे सरल, W1 बटे 0.9 बराबर R के स्थान पे R बटे 1.5, तो W1 बटे 0.9 बराबर आर के स्थान कितना है 150, आर के स्थान पे 150/10.5, इसी गुणा करो 1.5 W1 बराबर 150/10.9 W1 बराबर 150/10.9/1.5 खत्म 10×9=90 किलो, 90 किग्रा का भार ये W1 पहला व्यक्ति सहन कर रहा है, इसी प्रकार इसको भी करेंगे W2/0.6 बराबर R/0.5 आर के स्थान आर W2/0.6 आर के स्थान पे 150/0.5 ये समाप्त, 0.5 यहाँ 0.5 हटा गया जीरो, यहाँ 100
W2 6 गुणे 100 नागर 60, W2 60 की गिरा, यहाँ पर 90 की गिरा, यहाँ पर 60 की गिरा, ये आंसर हो गया। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन हमारा होगा 60 90 बी, ऑप्शन बी सही है। कार्य का CGS मात्रक है, तो देखिए कार्य का मात्रक तो पहला हम लोग MKS में जानते हैं न्यूटन, नहीं ग्रा मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। दूसरा SI में जानते हैं न्यूटन मीटर या जूल, न्यूटन मीटर या जूल। और तीसरा CGS में जानते हैं हम लोग अर्ग, CGS में क्या होता है अर्ग बोल दीजिए, चाहे वो क्या हो जाएगा ग्राम सेमी स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर, तो इसका अर्ग होगा। अगला प्रश्न है, एक बिजली की मोटर एक वजन उठाने में केबिल में 4500 न्यूटन का तनाव उत्पन्न करती है और इसे 2 मीटर पर सेकेंड की दर से लपेटती है, मोटर की शक्ति। तो देखिए शक्ति P बराबर होता है FV, क्या होता है ए होता है बल, ए होता है वेग और ए होता है शक्ति। तो P बराबर F भी होता है, F का मान 4500, V का मान 2, 4500 वाट लिखो चाहे, हाँ वाट 9000 वाट या जूल प्रति सेकेंड। इसका ऑप्शन सही है 90 वाट, इसको 9 किलो वाट भी लिख सकते हैं, 9 किलो वाट ऑप्शन ए सही है, किलो वाट ऑप्शन ए। द्रव्यमान की वेग U से, द्रव्यमान की वेग U से चलती हुई वस्तु को F बल के द्वारा S दूरी से रोक सकते हैं, तो दोगुने द्रव्यमान के आधे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी में रोकने के लिए आवश्यक बल है। तो इसको ध्यान दिखिए हम लोग कैसे करते हैं, देखो F बराबर होता है MA, क्या होता है MA, F बराबर क्या होता है MA, और A बराबर होता है अगर V² / U² - 2AS के सूत्र का उपयोग करेंगे। क्यों इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि उसको बल लगा के हम कुछ दूरी को रोक रहे हैं, तो दूरी भी आना चाहिए सूत्र में और रोक भी रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ से निकालिए 2AS = V² / U² माने पिंड पे बल लगाने के बाद वो कुछ दूरी पर जाके रुक रही है, इसलिए हमें ऐसा सूत्र ढूंढना होगा जिसमें त्वरण भी हो और दूरी भी हो और उसमें वेग भी हो, U वेग से वो जा रहा है, यही सूत्र है। यहाँ से A बराबर हो जाएगा V² / U² / 2S, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम बराबर V² - U² / 2S, ठीक। अब क्या करेंगे, उसको रोका जा रहा है, तो अंतिम वेग क्या है, जीरो। रोकने जब रोका जा रहा है अंतिम वेग क्या है, जीरो, अंतिम वेग के स्थान जीरो रखे थे, अब बराबर एम यहाँ आ जाए 0² / U² / 2S, ठीक 2S, तो हो जाएगा एम बराबर -M U² / 2S, ये समीकरण नंबर है। अब कह रहा है कि दोगुने द्रव्यमान के आधे वेग से चलती हुई वस्तु को उतनी ही दूरी में रोकना है आवश्यक बल, तो द्रव्यमान दुगना कर दीजिए, यहाँ पे F डैश हम ले रहे हैं, ये प्रथम कंडीशन था, द्वितीय कंडीशन चली F डैश हो गया दुगना द्रव्यमान 2m, U हो गया U/2, U क्या है U/2² / 2S, दूरी वही है ना। अब चलो चेक करो कितना आ रहा है आंसर, F - 2m U² / 2S और गुड़े 4, 2×4 -2m U² / 2S ये वाला है और 4 m U² / 2S ये हो गया,
एम यू स्क्वायर अपॉन टू एक्स और दो और दोगुना चार, दो से इसको काट दीजिए कितना हो गया माइनस एम यू स्क्वायर अपॉन टू टू एक्स। अब इतने का स्थान क्या लिखेंगे, इतने का स्थान लिखेंगे समीकरण एक से इतने का स्थान क्या लिखेंगे एफ, एफ बटा दो मतलब हमें जो बल है वो पहले का आधा चाहिए। ठीक है ऑप्शन जो है इसमें ए सही है। एक मोटरसाइकिल का त्वरण 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यदि एक ऐसी है खराब मोटरसाइकिल इसके पीछे बांध दी जाए तो इसका त्वरण होगा। तो ध्यान दीजिए त्वरण पूछा है, त्वरण है एबरा एम ए होता है, क्या होता है एम ए एबरा एम ए। अब कह रहा है कि इसमें मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल जितनी शक्ति लगा सकता है, मान लो या 100 न्यूटन की 100 न्यूटन बल लगा रहा है किसी वस्तु पर, इसका सबसे अधिकतम बल जो है 100 है, सबसे अधिकतम बल कितना है 100, तो अधिकतम बल से जा रहा है तो उसमें ए त्वरण उत्पन्न हो रहा है ना। जब इसके पीछे और कुछ बांध देंगे तब ये 100 से 200 थोड़ी हो जाएगा, उसका अधिकतम शक्ति 100 ही है। यहाँ पे नियत हो गया, क्या हो गया नियत हो गया, और ए भी बदल रहा है, ए भी बदल रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एम ए बराबर नियतांक, सूत्र बनाएंगे एम वन ए वन बराबर एम टू ए टू। तो पहले द्रव्यमान एम था और त्वरण कितना था 8, और द्रव्यमान 2m हो गया और त्वरण ए टू। अब क्या करेंगे एम एम कैंसिल, 8/2 बराबर ए टू 4, ए टू हो जाएगा हमारा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन इसमें बी सही है। प्रश्न है एक सेकेंड रोलर को ऐसे ग्रह ले जाया गया जहाँ द्रुति त्वरण पृथ्वी के पिछाई 9/2 है, तो वहाँ दोलन का आवर्तकाल है। देखिए ध्यान से आवर्तकाल का सूत्र होता है T/2π/Vl/5g, समीकरण नंबर 1 और ये प्रथम स्थिति है। अब बोलना है दूसरी स्थिति में T/2π/Vl/5g टू पाई अंडर वी एल पाँच जी क्या है, पहले का 9g/9 मतलब उस स्थान पर लाया जा रहा है जहाँ द्रुति त्वरण 9 भाग है। अब हम क्या करेंगे इसको, ये ऊपर चला जाएगा T/2π/√9L/g, फिर हो जाएगा T' इसको लिखेंगे 2π/√3 × 2π√L/g। ध्यान से देखिए 2π√L/g 9√3, अब इसके स्थान क्या लिख सकते हैं T T' = 3T। अब सेकेंड लोलक है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है याद कर लीजिए, सेकेंड लोलक का आवर्त काल होता है 2 सेकेंड, यहाँ पर हो जाएगा 3×2/6 सेकेंड। ऑप्शन इसमें हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ध्यान से देखिए, दो वस्तुओं के संवेग समान है यदि इनके द्रव्यमान M1 हो वह M2 तथा गति ऊर्जाएं K1 K2 हो तो K2/K1 का मान होगा। ध्यान से देखिए सूत्र होता है गति ऊर्जा का, सूत्र हम लेंगे गति ऊर्जा बराबर 1/2 mv2। संवेग बनाइए इसमें कैसे बनेगा, 1/2m × mv2 × m, K=√2m m²v², K=√2m mv को p लिखेंगे स्क्वायर, K=p²/2m। यह नियतांक है या क्या है, संवेग समान है, संवेग समान है जिसका मतलब अब नियत है, तो k व्युत्क्रमानुपाती m हो जाएगा। दो भी नियतांक है, भी नियतांक है, इसको कैसे जानेंगे नियतांक है, प्रश्न बोल रहा है संवेग समान है, दोनों स्थिति में संवेग समान है तो नियत है, हर स्थिति में दो ही रहेगा इसलिए नियत है। तो K1/K2 बराबर हो जाएगा हमारा, ये नीचे है 1/2 तो ये नीचे तो हो जाएगा 2/1 और वो K2/K1 पूछा है तो जाएगा M1/M2, ये आंसर हो गया। ऑप्शन इसमें सही है ए, सी सही है सी।
अगला प्रश्न है, दो वस्तुओं के माप में 45 फारेनहाइट का अंतर है, तो सेल्सियस पैमाने पे अंतर होगा। सबसे पहले हम सूत्र लिखते हैं, सी बटे 5 बराबर एफ माइनस 32 बटा 9। ये सूत्र होता है, यहाँ पर C1 माइनस C2 करते हैं, यहाँ C1 लिखेंगे आप F1, C2 बटे 5 बराबर जाएगा F2 माइनस 32 बटे 9। ये समीकरण एक हो गया, ये दो हो गया, घटा दीजिए, C1 अपॉन 5 माइनस C2 अपॉन 5 बराबर F1 माइनस 32 बटे 9 माइनस F2 अपॉन F2 माइनस 32 बटे 9। अब क्या होगा, हर बराबर है तो हो जाएगा C1 माइनस C2 बटे 5, यहाँ कितना आ जाएगा F1 माइनस F2 बटे 9, ये हो जाएगा डेल्टा C बटे 5 बराबर हो जाएगा डेल्टा F बटे 9। हर नाइट में 45 अंश का अंतर है, कितने का अंतर है, डेल्टा C बटे 9 बराबर 5, डेल्टा C बटे 5 बराबर यहाँ 45 दिया हुआ है बटे 9, 9 बचे 45, डेल्टा सी बटे 5 बराबर 5 बटे 1, डेल्टा सी बराबर 5 बचे 25, तो 25 सेंटीग्रेड। ऑप्शन इसमें से डी सही है, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, दो समतल दर्पणों के बीच कोण 60 अंश है, तो इनके बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या, तो देखिए इसका सूत्र होता है प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर होता है 360 बटे थीटा माइनस ए, तो 360 बटे 60 अंश कोण रखा हुआ है, थीटा कितना है, दोनों दर्पण को 60 अंश कोण रखा हुआ है माइनस ए, तो 6 माइनस ए बराबर 5, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 5। तो प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र है कब, जब दो दर्पण को थीटा कोण को झुकाए। ऑप्शन इसमें हो जाएगा हमारा ए, ए। अगला प्रश्न, 0 सेंटीग्रेड ताप पर बैरोमीटर द्वारा मापा गया दाब 760 मिमी है, तो 100 सेंटीग्रेड ताप पर दाब का मान होगा। तो देखिए इसमें हम लोग स्थिर आयतन का सूत्र लगाते हैं, पी अनुक्रमानुपाती, टी कब, वी कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब होता है नियतांक, तो P1 अपान T1 बराबर P2 अपान T2, P1 के स्थान पे होगा 760, P2 पूछा है T1 अपान T2 T1 का मान 0 सेंटीग्रेड है तो उसको 273 लिखेंगे, और T2 का मान है 373, T2 का मान कितना है, है इसमें 100 सेंटीग्रेड है, 100 सेंटीग्रेड है तो उसको केल्विन में बदलेंगे, तो 100 + 273 तो जाएगा 373, यहाँ 373 लिखेंगे, सरल करिए 273 गुणे P2 बराबर 760 गुणे 373, P2 बराबर होगा 760 गुणे 373 अपान ए नीचे हो जाएगा, इसका आंसर होगा, और इसका आंसर होगा 1038 मिमी। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, कोई नहीं। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम तथा विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड है, उसकी ऊष्माधारिता, तो ऊष्माधारिता का सूत्र होता है डब्लू बराबर एम एस, एम है 100 ग्राम और एस है 0.11 कैलोरी प्रति ग्राम, 0.11 हो जाएगा 1100 × 0.11, इसका मात्रक हो जाएगा आपका कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड, कैलोरी प्रति सेंटीग्रेड, ऑप्शन ये सही है ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर अपने स्कूल पहुंचता है, उसके घर, उसके विद्यालय की घर से सीधी दूरी, देखिए ध्यान से, पहले 1 किलोमीटर पूर्व जाता है तो किताब बुक में पूर्व इधर होता है, पश्चिम इधर होता है, उत्तर इधर होता है, दक्षिण इधर होता है ग्राफ में, तो 1 किलोमीटर पहले पूर्व ऐसे हम लिख लिए, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण, 3 किलोमीटर दक्षिण हो गया है, और फिर 4 किलोमीटर पश्चिम, तो 4 किलोमीटर पश्चिम चल दिया, ये उसका घर है, और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
घर है उसके घर से सीधी दूरी, यहाँ से सीधी दूरी पूछा है। एक घर है, ये स्कूल है ना, ए पर घर है, बी पर क्या है, स्कूल है। उसके घर से सीधी दूरी पूछ रहा है, पहले यहाँ से ऐसे कट करेंगे, ठीक, कट कर दिए, ते वाला तीन है, ते वाला भी तीन हो जाएगा। यहाँ से यहाँ एक है, यह भी एक हो जाएगा, पूरा चार है, यहाँ से यहाँ चार है, या एक है, या एक है, ते भी एक, ये कितना बचा, तीन। तो घर से सीधी दूरी आप 90 बना, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल दो, कर्ण ए बी बराबर हो जाएगा अंडर थ्री स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर, थ्री स्क्वायर कामन ले लेंगे तो वन प्लस वन कितना हो गया, थ्री स्क्वायर अंडर टू, इसका वर्गमूल हो जाएगा थ्री अंडर टू, थ्री अंडर टू किलोमीटर, ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। मुख्य पैमाने को 0.5 मिमी के भागों में विभक्त किया गया है, वर्नियर के पैमाने के 50 भाग मुख्य पैमाने के 49 भाग के साथ मिलते हैं, वर्नियर का अनुपात मांग ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ध्यान से, एक भाग का मान है 0.5, मतलब वर्नियर पैमाना है, मुख्य पैमाना है, मुख्य पैमाने के 49 भाग की लंबाई, एक भाग की लंबाई 0.5 है, तो 49 भाग की हो जाएगा 5 × 45, 5 × 20 = 24, इतना मिमी। ध्यान दें मुख्य पैमाना के एक भाग का लंबाई कितना है, 0.5 मिमी है, तो उसमें 49 भाग है, उसकी लंबाई कितना हो जाएगी, यह 49 भाग वर्नियर की, वर्नियर के 50 भाग के बराबर है, 50 भाग के बराबर है। तो 50 भाग का मान कितना है, 50 भाग का मान है 24.5, एक भाग का मान कितना होगा, 24.5/50, 5 × 20, 5 × 45, 549/100, 0.49 मिमी, ठीक। तो अल्पत मांग हो जाएगा हमारा, अल्पत मांग, अल्पत मांग का सीधा परिभाषा है, इसके एक भाग की लंबाई, इसके एक भाग की लंबाई 0.50 और माइनस इसके एक भाग की लंबाई 0.01 मिमी। हाँ देखिए ध्यान से, इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, इसको सेमी में बदलना है, सेमी बदलने के 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा। हाँ देखिए अगला प्रश्न, 1 kWh का मान है, 1 kWh सामर्थ्य का मात्रक होता है, वाट घंटा है जिसमें ऊर्जा हो जाएगा, 1 kWh विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, 3.6×10⁶ जूल होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एसआई पद्धति न्यूटन सेकेंड इकाई है, न्यूटन सेकेंड आवेग का मात्रक होता है, इसमें ऑप्शन जो है बी सही है, सही है, संवेग और आवेग दोनों का मात्रक होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है, ऊर्जा का मात्रक देखिए जूल होता है, किलोवाट घंटा होता है, न्यूटन होता है, मेगावाट नहीं होता है, मेगावाट सिर्फ वाट लगा है, तो मेगावाट नहीं होता है, ए जो है ऑप्शन सही है, होगा इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, एक पिंड विराम स्थान चलना आरंभ करता है, यदि त्वरण 10 m/s² हो, 10वें सेकेंड पिंड द्वारा चली गई दूरी, इसका बढ़िया सा सूत्र होता है, एस बराबर u प्लस ए बटा 2a 2t-1, टीवे सेकेंड में चली गई दूरी का सूत्र होता है, एस बराबर u+2t-1, यहाँ 0+ a/2 ए, ए के स्थान पर क्या लिखेंगे, ए के स्थान लिखेंगे 10 और यहाँ पर भी समय भी 10 है, -1, 5×10^20 निकला 19.95 मीटर, तो ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बी। हाँ, दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P2 से 90 अंश पर है,
तथा इसका परिमाण P2 के समान है, तो P2 P1 का परिमाण होगा। देखिए इसमें सूत्र होता है, एक बल ये होता है P1, एक बल P होता है, एक बल क्या होता है Q होता है, ठीक। और इसका परिणामी जो भी हो, इसका परिणामी मान लो ये R है, तो R का सूत्र होता है R बराबर P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2 P Q cos A अल्फा, ठीक। यहाँ पे अंडर रूट टू होता है, तो यहाँ पे स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर में हो गया, ये परिणामी का सूत्र होता है। कब जब पी ऐसे हो क्यू ऐसे हो बीच फोर अल्फा हो, ये परिणामी होता है। तो प्रश्न बोला है परिणामी पी टू के समान है, तो यहाँ पर हम पी टू ले ले रहे हैं, पी टू और इसको पी वन, पी बराबर पी टू क्यू बराबर पी वन, इसको करते हैं, यहाँ पी टू स्क्वायर बराबर पी वन स्क्वायर प्लस नहीं पी के स्थान पी टू, अब पी के स्थान पे पी वन स्क्वायर प्लस टू पी के स्थान पी टू क्यू के स्थान पे पी वन कॉस अल्फा। अब देखो ये कैंसिल हो गया, यहाँ से इसको बाहर करो, माइनस टू पी टू पी वन कॉस अल्फा बराबर हो जाएगा पी वन स्क्वायर, ठीक। पी वन भी कट गया, कॉस अल्फा बराबर हमारा कितना हो गया पी वन अपान माइनस टू पी टू, यह हो गया, ठीक है। ये समीकरण नंबर एक। अब जो परिणामी का कोण, परिणामी का कोण क्या होता है, सूत्र टैन थीटा, एक सूत्रांक लगा, एक सूत्रांक होता है क्यू क्यू कॉस अल्फा अपान पी प्लस क्यू क्यू साइन अल्फा, क्यू साइन अल्फा पी प्लस क्यू कॉस अल्फा। इसे मान लेते हैं थीटा नब्बे अंश है, थीटा कितना है टैन नब्बे अंश बराबर क्यू के स्थान पर क्या लिखेंगे, क्यू के स्थान पर पी वन अपान पी के स्थान पर लिखेंगे पी टू प्लस क्यू के स्थान पर पी वन और क्यू कॉस अल्फा के स्थान पर पी वन बटे टू पी टू, वो भी माइनस में। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये एक बटा जीरो हो जाएगा, अनंत अनंत मान एक बटा जीरो, पी वन बटे यहाँ आ जाएगा पी टू, ठीक, प्लस पी वन स्क्वायर अपान माइनस टू पी टू। अब क्या करेंगे, इसका दीक्षा क्या करेंगे, ये आप हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, तो ध्यान से देखो इसका विभाग करेंगे, ये हो जाएगा पी टू प्लस माइनस पी वन स्क्वायर अपान टू पी टू बराबर इसका ध्यान दीजिए, इसको साइड भेजते हैं पी टू बराबर पी वन स्क्वायर अपान टू पी टू, इसी बुरा करो दो पी टू स्क्वायर बराबर पी वन स्क्वायर, और मुँह ले लेंगे तो अंडर टू पी टू बराबर पी वन, तो पी वन का मान अंडर टू पी टू होगा। इसका ऑप्शन होगा आपका, इसका ऑप्शन सही है बी। हाँ देखिए अच्छी, अगला प्रश्न है, सौ घन सेमी विलयन जिसे 5.85 ग्राम NaCl जल में घोलकर प्राप्त किया गया मोलरता हुई, तो मोलरता बराबर होता है, ध्यान देखो, मोलरता बराबर होता है ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा बटे आयतन बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में, आयतन लीटर में, ठीक। ग्राम में मात्रा है 5.85, अणुभार है 58.5, आयतन लीटर में है, 100 घन सेमी है, 100 घन सेमी का मतलब होता है एक बटे एक, एक, एक हजार घन सेमी में एक लीटर, तो जाएगा 100 घन सेमी बराबर होगा एक बटे एक हजार गुणे 100 एक बटे 10 लीटर, यहाँ लिखेंगे बटे 10। अब क्या होगा, इसको ऊपर कर देते हैं, 5.85 गुणे 10 बटे 58.5, इसको हल करेंगे एक आएगा। अगला प्रश्न है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या है, तो H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, ध्यान से देखिए, 2 × 1 हाइड्रोजन एक होता है प्लस एक्स प्लस 4 × 2 बराबर 0 हो जाएगा, 2 + x - 8 = 0
तो एक्स बराबर छः, सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या छः, ऑप्शन नंबर इसमें सही है ए। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा समीकरण संतुलित है। इसमें ऑप्शन से चेक करना है, तो संतुलित समीकरण में क्या करना है, दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, दोनों तरफ आवेशों की संख्या चेक कर लेंगे, और चेक करने पे आएगा विकल्प नंबर ए सही होगा, इसको इसका आंसर विकल्प ए है। एमएन 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा है, तो मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और देखो 3d नहीं आता है, पहले 4s आता है फिर 3d आता है, तो जोड़ो 2 तो 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 20 5 25, इसका हो जाएगा पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितना हो जाएगा 6 2 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 6 2 8 8 5 13 और फिर 2, इसका हो जाएगा इसका हो जाए ऑप्शन ये सही है, तो 2 8 और तीसरे में 6 2 8 5 13 और यहाँ पे 2 चौथे में 2, तो ऑप्शन ये सही है। अगला प्रश्न है, एम बटा 1000 HCl विलयन का पीएच मान, तो पीएच मान क्या होता है, देखो ध्यान से, पीएच मान हो जाएगा 10 घाते लॉग H प्लस आयन की सांद्रता, तो माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता 10 घाते ऋण 3 है, कितना है 1/10, 1/1000 है, 1/1000 से 1/1000 मतलब होता है 10 घाते 1/10^3, तो 10^3, तो यह सूत्र होता है पीएच का, इसको क्या करेंगे, इसको हिसाब करेंगे, ऋण 3 लॉग 10, लॉग 10 का मान 1, इसका होता है 3, तो पीएच मान 3 होगा, इसका ऑप्शन होगा आपका डी। एक अकार्बनिक यौगिक की प्रतिशत रचना में CA 40%, C 12% और 48% है, इस यौगिक का मूलानुपाती सूत्र है, देखिए ध्यान से, हम लोग मात्रा लिखते हैं यहाँ CA कितना है, CA। हाँ अगला प्रश्न है, देखिए हाँ, तो CA कितना था, CA की प्रतिशत मात्रा 40% था, और ऑक्सीजन था 48%, और कार्बन है 12%, इसका परमाणु भार होता है 40, इसमें 40 से भाग देंगे तो एक आएगा, इसका परमाणु भार होता है 16, 48 में 16 भाग देंगे 3 आएगा, और इसका होता है 12 से भाग, मतलब जो प्रतिशत है उसमें परमाणु भार से भाग दीजिए, जो प्रतिशत है उसमें परमाणु भार से भाग देंगे 1, तो हमारा सूत्र बनेगा कैल्शियम 1 है 1, कार्बन 1 है 1, ऑक्सीजन 3 है 3, कैसी है CO3। हाँ देखिए अगला प्रश्न, किसी गैस के विसरण की दर निर्भर करती है, तो R अनुक्रमानुपाती होता है 1/m व्युत्क्रमानुपाती, विसरण दर जो है परमाणु भार की व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो परमाणु भार पर निर्भर करती है, यदि किसी तत्व x का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 3 है तथा y के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है, इसके संयोग से बने यौगिक का सूत्र है, तो देखिए x है 2, 8, 3 और y है 2, 6, ध्यान देखिए इसमें 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, 4 से ज़्यादा है, मतलब 4 इसमें 4 से कम है, 4 से कम है तो इसकी संयोगता हो जाएगा 3, संयोजकता 3, और इसका संयोजकता होगा 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटा के बताओ, 4 से ज़्यादा, 4 से कम रहेगा तो वही संयोजकता, 4 से ज़्यादा है तो 8 में से घटा के बताओ, इसका संयोजकता कितना होगा 2, तो x का 3 y का 2, यौगिक ऐसे बनता है, ऐसे क्रॉस से कितना जाए x2y3।
निम्न में से किस यौगिक का संयोजक बंध उपस्थित है? तो सहसंयोजक बंध जो है डी एथेन में उपस्थित है। 85 का अगला मतलब इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, तावर साड़ी में इसका समूह है 6। तो कार्बन परमाणु का 6 है, इसका और साड़ी में समूह है, तो 3A में एल्यूमिनियम होता है, 4A 4A इसका समूह क्या होगा? 4A। ऑप्शन नंबर इसमें होगा ऑप्शन बी। 0.01 ग्राम तुल्यांक Kg प्लस आयनों को निक्षेपित करने के कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी? तो देखिए Kg प्लस है इसका तुल्यांकी भार ग्राम में मात्रा बटे अणुभार होता है, तुल्यांकी भार। तो इसमें बोला है ग्राम तुल्यांक Kg प्लस आयनों में निक्षेपित करने के लिए कितनी विद्युत की आवश्यकता होगी? तो देखो एक तुल्यांक के लिए होता है F, तो 0.01 तुल्यांक है, कितना जाएगा F 0.01, इससे नहीं मतलब है। एक तुल्यांक के लिए होता है विद्युत की आवश्यकता 1 फैराडे, ठीक। 0.01 के लिए हो 0.01 F। ऑप्शन इसमें पूरा नाम BHC का पूरा नाम है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। ऑप्शन नंबर 1 सही है। अगला है देखिए ध्यान से, विशिष्ट दशाओं में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया में अपचायक पदार्थ, तो अपचायक पदार्थ देखो S प्लस Cl2 से बना हुआ है हमारा यह Cl2, ठीक है। यहाँ पे इसका आवेश 0 है, यहाँ पे है प्लस दो, यहाँ पे इसका 0 है, यहाँ पे प्लस दो, क्योंकि क्लोरीन का माइनस एक होता है, Cl2 है तो -2, तो यहाँ प्लस दो, तो यहाँ पर आवेश में वृद्धि। अब चायक के लिए क्या होता है? अब चायक आवेश में वृद्धि होगा तब चायक, सल्फर अब चायक है, सल्फर क्या है? अब चायक। ऑप्शन इसमें सही है ए। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है, H2- में इलेक्ट्रॉनों एवं प्रोटॉनों की संख्या। तो देखिए H2- मतलब सल्फर का परमाणु भार 16 है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है? 16 परमाणु क्रमांक। तो ध्यान देखो अब H2- में पूछा है, तो यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, इसके हो जाएगा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब प्रोटॉन क्या होगा? प्रोटॉन हमेशा जो है वही रहता है 16। फिर से समझो, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, इसमें इलेक्ट्रॉन भी 16 है और प्रोटॉन भी क्या है? 16। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन बढ़ के 18 हो जाएगा, लेकिन प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होता, प्रोटॉन 16 ही रहेगा। अगला प्रश्न है पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4Fe Cn6 किस प्रकार का लवण है? तो देखिए K4Fe Cn6 यह जो है संकर लवण है, क्या है? संकर लवण। अगला प्रश्न है सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए H2SO4 होता है, इसको जो है 2×1 धन सल्फर का होता है 16×32 प्लस 4×16 कितना हो गया? 2+32 प्लस हो चुका 64, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? 98, 4×6=98, इसका अणुभार कितना हो गया? 98। और इसका तुल्यांकी भार पूछा है, तो इसका होगा इस 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 से भाग इसको अलग करेंगे, देखो क्या होता है 2H- SO4-2-, तो हम क्या करेंगे? 2 आवेश आया ना, तो 2 आवेश से भाग दे दीजिए, तुल्यांकी भार बराबर हो गया
अनुभार बटे अमनीयता अक्षारकता अमनीयता अक्षारकता आप दो है, दो से भाग देंगे, 98/2 और 49, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। पृथ्वी पर पाए जाने धातुओं में किसकी प्रतिशतता भार के अनुसार अधिकतम है? तो भार के अनुसार सबसे अधिकतम है वो एल्युमिनियम। कौन सा है? एल्युमिनियम। तो पृथ्वी के परत पे जो धातु पाए थे उसमें भार के अनुसार जो है एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है? गैस का अधिकतम प्रायिकता वेग प्रदर्शित किया जाता है वही हो जाएगा ये 3RT/m 96 का हो जाएगा हमारा बी 2RT/m। बी ऑप्शन सही है। यदि रेडियम 3160 वर्षों में अपनी प्रारंभिक मात्रा के लिए 4 आ जाती है तो उसकी अर्धाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिए, n बराबर सूत्र होता है n0 1/2 n। ठीक, यहाँ पे n का मान है 1/4, n/n0 1/2 n, यहाँ पे 4/1/2 n 2/2, तो अर्धायक पर टी हाफ बराबर हो जाएगा t/n टी के स्थान लिखेंगे 3160/n के स्थान पे 2 × 2 = 10 × 16 1580 वर्ष आएगा। ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका डी। अगला प्रश्न है, जल गैस का सूत्र है CO+H2। जल गैस का सूत्र यही होता है, ऑप्शन डी सी। प्रश्न है, 226 परमाणु भार तथा 88 परमाणु क्रमांक वाले एक तत्व से 2 अल्फा कण निकलने के बाद प्राप्त तत्व की द्रव्यमान संख्या तथा परमाणु क्रमांक क्या होगा? तो देखिए, एक तत्व x है, इसका परमाणु भार है 226 और परमाणु क्रमांक है 28, ठीक है 88। इसमें 2 अल्फा कण निकालना है, 2 अल्फा कण निकल गया तो अल्फा कण निकलता है तो नीचे 2 की कमी, नीचे मतलब परमाणु क्रमांक में 2 की कमी द्रव्यमान संख्या में, तो हो जाएगा 2×4, 88 से 4 निकलेगा 82, यहाँ भी 4 की कमी होता है, 1 निकलने 4, 2 निकला है 8, 226 से 8 निकालेंगे 218, तो द्रव्यमान संख्या जो होगा 218 हो जाएगा और परमाणु क्रमांक हो जाएगा 82। ऑप्शन इसमें हो जाएगा 218/82 डी सही है। तो वह ताप जिसके ऊपर किसी गैस को द्रवित नहीं किया जा सकता कहलाता है, वह है जो है क्रांतिक ताप। क्रांतिक ताप ऑप्शन डी सही है। ये जो है पूरा इसका लास्ट का जो है ऑप्शन डी सही है।